राजधानी में नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा और पूर्व महापौर अशोक लाहोटी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले महापौर लाटा ने वित्तीय स्वीकृति के बिना पूर्व महापौर लाहोटी पर 2 गाड़ियां खरीदने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व महापौर और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने महापौर विष्णु लाटा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर दी। शुक्रवार को महापौर लाटा ने नगर निगम मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व महापौर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि लाहोटी को उन 2 गाड़ियों से विशेष प्रेम है तो उनकी खरीद में खर्च किए गए 46 लाख रुपए निगम कोष में जमा करा दें और इन गाड़ियों को घर ले जाएं। वहीं लाहोटी की ओर से की गई शिकायत पर लाटा ने कहा कि लाहोटी को एक्ट की जानकारी नहीं है, मैंने कभी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विधायक लाहोटी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर लाटा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कि कोई अपराधी है, अब अपराधी ने अगर कुछ भी किया हो तो आईपीसी तो एक ही है। अब आईपीसी में वकील उसको प्ले किस प्रकार सामने करता है, बात ये है, तो उनको कैसे माना है, क्या माना हो तो वो बताए। मैंने तो स्वीकारा ही नहीं है। और जब मेरे पास अगर चुनाव आयोग से कोई पत्र आएगा उसका जवाब देंगे, इसमें कोई बात ही नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन तो लगातार उन्होंने किया है, खुद ने किया है।